पीएचडी एडमिशन के लिए वीसी ऑफिस के बाहर बैठे छात्रों ने आज पकोड़े बनाकर बेचे। पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि जब हमारे भविष्य के लिए कुछ नहीं है तो हम प्रधानमंत्री पकोड़ा योजना के अंतर्गत आज पकोड़े बेच रहे हैं। रमजान का महीना है और हम यहाँ एडमिशन की मांग करने के लिए 24 दिन से धरने पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पकोड़ा बेचना भी एक रोजगार है, इसलिए हम ये रोजगार कर रहे हैं। हम इसे 120 रुपए किलो बेच रहे हैं। दरअसल एएमयू के मास्टर डिग्री पास कर चुके छात्रों को पीएचडी में एडमिशन ना मिलने के कारण वो कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स पास आउट हो चुके हैं। हमने पीएचडी का एंट्रेंस दिया था जिसमें हमारे साथ धांधली हुई। हमें इंटरव्यू में भाई भतीजावाद के तहत छाट दिया गया है, जिसकी वजह से आज हम एमयू प्रशासनिक ब्लॉक के सामने मजबूर हुए हैं पकौड़ा प्रधानमंत्री पकौड़ा योजना के तहत पकौड़ा बेचने पर। रमज़ान का महीना है, हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीएचडी में जो धांधली हुई थी उसको लेकर हमने वाइस चांसलर साहब को लगातार इन्फॉर्म किया है। हमने मेमोरेंडम दिया, सारी चीज़ें की गई हैं, हमने सारी चीज़ों को पुटअप किया इनके सामने। इन्होंने उसको अभी तक सिंपैथेटिक तरीके से नहीं लिया, ना उस पर जाँच बिठाई है। हमारी डिमांड्स जब तक पूरी नहीं होती हम यहाँ पे डटे रहेंगे। कितने लोग हैं कुल और आपने एमयू से क्या किया? हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के यहाँ पे जितने लोग हैं सब मास्टर्स पास आउट हैं। इन्होंने पीएचडी का एंट्रेंस यहाँ पे दिया होता, तकरीबन 40 लोग होंगे यहाँ पे। कब से धरना दे रहे हैं? हमारा ये आज 24वां दिन है। आज पकौड़े धरने के पीछे प्रधानमंत्री ने कहा कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। हमारे पास इस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, इसलिए हम लोगों ने पकौड़े बेचने का निर्णय लिया। रमज़ान का महीना भी चल रहा है जिसमें पकौड़े की ज़रूरत होती है, हम लोग भी खाएंगे और बाकी स्टूडेंट्स से हमने आह्वान किया वो ख़रीदने भी आएंगे। 120 रुपये किलो पकौड़े, प्याज के पकौड़े हम लोग बेच रहे हैं। इन प्याज के हैं, मिर्च के हैं, पालक के हैं, तीन चीज़ के हैं। यूनिवर्सिटी के लड़कों से हमने आह्वान किया है, वो अभी भारी तादाद में पकौड़े लेने आएंगे जी। अब आज पहली बार है यूनिवर्सिटी के 100 साल इतिहास में पहली बार है कि रोजे में धरना लगा हुआ है और हमारी डिमांड्स को नहीं माने जा रहा है। हमारा प्रोटेस्ट जो है पीएचडी के लिए चल रहा है। हम लोग एमयू में से मास्टर्स किया है हमने और यहाँ पिछले 24 दिनों से हम लोग पीएचडी में जो हुई धांधली और हमारे हमें इंटरव्यू में छांट दिया गया, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ धरना लगाया हुआ था। आज 24 दिन हो गए और समझ लिए कि ये मेरे ख्याल से एमयू हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि रमज़ान में भी धरना चल रहा है। मजबूरन हमें आज यहाँ पकोड़े छानने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है रोज़गार, प्रधानमंत्री ने हमारे कहा है कि ये भी एक तरह का रोज़गार है तो हम लोग उसका रोज़गार को हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इंतजामिया कोई सुनवाई नहीं कर रही, वो अपने उसी पे अड़े हुए हैं कि हम सीट जो है हमारी हम शो नहीं करेंगे। अरे वो थोड़ा कभी कभी नींद में रहते हैं हमारे इंतजामिया साहब, इसलिए उन्हें मालूम नहीं। यहाँ पे इंटर्नशिप होती है जो 3 साल की होती है, जब पास आउट कर चुका अगर कोई कोर्स, जैसे मैंने मास्टर्स किया तो अगले 3 साल तक मेरी इंटर्नशिप रहेगी, तो जब मेरी इंटर्नशिप है तो यानी कि मैं इंटरनल हूँ। इनका कहना गलत है? बिल्कुल इनका कहना गलत है। धरना कब तक जारी है? अगर हम लोग इलीगल हैं तो ये हमें जेल करवा दें। धरना कब तक जारी रहेगा? धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। पकौड़े पहले भी तले हैं आपने? नहीं, पकौड़े आज मैंने पहली बार तले हैं।